तवे के ऊपर सालों पुरानी कैसी भी गंदगी लगी हो, फटाफट से मिनटों में क्लीन करें। आज मैं आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स, तो तरीका होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगे और आपको लगे कि वीडियो में कुछ भी आपके लिए ज़रा सा यूजफुल रहा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें फ्रेंड्स, ये बिल्कुल फ्री है और इससे क्लीनिंग में आपकी काफ़ी हेल्प भी होने वाली है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस तवे की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है, ये बिल्कुल यूजलेस हो चुका है और बिल्कुल भी यूज के लायक नहीं है। तो फ्रेंड्स आज मैं इसे क्लीन करके दिखाऊंगी और क्लीन ही क्या, बिल्कुल नए के जैसा चमचमा के दिखाऊंगी। तो इसका तरीका बहुत ही ज़बरदस्त है और इसकी क्लीनिंग मैं ऐसी चीज़ों से करके दिखाऊंगी जो घर की ही चीज़ें हैं, आपको बाज़ार से कुछ भी खरीद कर नहीं लाना और फिर भी आपकी क्लीनिंग बहुत ही ज़बरदस्त होगी और वो भी बिना मेहनत के। तो फ्रेंड्स इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है कोलगेट टूथपेस्ट। टूथपेस्ट तो सभी के घरों में मिल ही जाता है फ्रेंड्स, ये तो एक ऐसी कॉमन चीज़ है जो बिल्कुल नॉर्मली सभी के घरों में मिलेगा। और ये देखिए यहाँ पर मैंने कोलगेट डालने के बाद इसमें ऐड कर दिया है वाइट विनेगर। अगर आपके पास वाइट विनेगर ना हो तो इसकी जगह पर आप नींबू का रस का यूज भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी क्लीनिंग को बिल्कुल आसान करेंगी फ्रेंड्स। तो ये देखिए इसके बाद दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने पूरे तवे के ऊपर फैला दिया है और अब स्क्रबर से मैं इसे हल्का हल्का सा रगड़ लूँगी फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से, तो इसकी गंदगी जो है पूरी तरह से फूल कर साफ होनी हो चुकी है स्टार्ट। ये देखिए फ्रेंड्स ये जो मैंने इसमें वाइट विनेगर और कोलगेट ऐड किया है ना, ये हमारी क्लीनिंग को बहुत ही आसान करते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से हल्के हाथों से मैं इसे रब करती जाऊँगी। तो इससे तवे के ऊपर चाहे जितनी पुरानी जिद्दी गंदगी हो क्लीन हो जाएगी फ्रेंड्स। और ये देखिए इसी तरह से मैं इसे पीछे से भी क्लीन करूंगी फ्रेंड्स, इसे बिल्कुल हमें यूज के लायक बनाना है फ्रेंड्स। चीज़ें अगर केयरलेस हो जाएं तो कुछ दिनों में उनकी हालत इसी तरह से ख़राब हो जाती है, तो क्यों ना हम उनकी क्लीनिंग करके उन्हें भी यूज के लायक कर लें, क्योंकि बाज़ार से तो चाहे हम जितना नया सामान खरीद लें एक ना एक दिन तो सभी को पुराना होना है, तो क्यों ना पुराने सामान को ही नया कर लिया जाए। तो ये देखिए अब मैंने तवे को यहाँ पर धो लिया था और धोने के बाद आपने देखा कि इसके बीच की गंदगी तो साफ हो चुकी है लेकिन चारों तरफ जो है अभी भी काफ़ी सारा काला पार्ट जो है वो लगा हुआ है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, तवे को इस तरह से गर्म कर लेना है फ्रेंड्स, पूरा गर्म करना है अच्छी तरह से, एकदम तवे को लाल होने जितना गर्म करना है। और इस काम को करते हुए आपको ध्यान रखना है कि अपने हाथों को बचा कर रखें, कहीं आपका हाथ तवे से टच ना हो जाए। अगर हाथ तवे से टच हो गया तो बुरी तरह से जल जाएगा फ्रेंड्स, तो पहले तवे को किसी अच्छी पकड़ से पकड़ लें। तो ये देखिए इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ले लिया है एक चाकू और चिमटे से दबाकर मैंने तवे को जो है अच्छी तरह से पकड़ लिया था, तो जितना भी इसके ऊपर कार्बन गंदगी और काला पार्ट लगा हुआ था ना वो सब छूटना हो चुका है स्टार्ट। अब मैंने तवे को उतार लिया था गैस से नीचे, क्योंकि जितना गर्म तवा हमें चाहिए था उतना तवा हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल आसानी से सारा काला पार्ट जो है ना इसका निकल जाएगा और देखते ही देखते हमारा तवा बिल्कुल नए के जैसा क्लीन हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर हम डेली तवे की क्लीनिंग करेंगे ना अच्छे से तब तो हमारा तवा क्लीन ही रहेगा, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि क्लीनिंग नहीं हो पाती, या फिर जैसे हमने मान लीजिए कोई चिकनाई का सामान बनाया है जैसे पराठे वगैरह, तो उससे भी हमारे तवे में कालापन आ जाता है और इस तरह की गंदगी जो है तवे के ऊपर इकट्ठा हो जाती है। तो इस तरीके को फॉलो करके आप अपने गंदे पुराने तवे को फटाफट से मिनटों में चमका सकते हैं फ्रेंड्स, तरीका बहुत ही ज़बरदस्त है, एक बार आजमाकर फ़ायदा ज़रूर उठाएं। कोई भी फेक या फ्रॉड वीडियो नहीं है, बिल्कुल रियल कॉन्टेंट है। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से रगड़ के जहाँ जहाँ भी मुझे इसके ऊपर काला पार्ट दिख रहा था ना वहाँ से मैं इसे छुड़ा लूँगी। अगर आपका तवा ठंडा हो जाए तो फिर आप इसे दोबारा से गर्म भी कर सकते हैं, मान लीजिए आपकी क्लीनिंग नहीं हुई हो और तवा हो गया हो ठंडा, तो दोबारा से आप उसे क्लीन कर सकते हैं। और ये देखिए अब मैंने इसका काला पार्ट निकाल के आपको दिखाया, तो फ्रेंड्स तवे के ऊपर से सारा काला पार्ट तो निकल चुका है। अब मैंने फिर से थोड़ा सा कोलगेट यहाँ पर डाल लिया है और साथ ही थोड़ा सा सिरका भी ऐड कर लिया है फ्रेंड्स, ये देखिए
इस तरह से। और अब मैंने स्क्रबर उठाकर अब मैं इसकी अच्छी तरह से क्लीनिंग कर लूँगी। तो क्लीन करने के बाद हमारा तवा जो है ना पूरी तरह से एकदम नए नवे के जैसा काम करेगा, जैसा नया तवा हम बाज़ार से लेके आते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से वर्क करेगा। फ्रेंड्स ये देखिए, आप देख सकते हैं हमारा तवा पूरी तरह से चमचमा उठा है फ्रेंड्स, बिल्कुल आपकी आँखों के सामने है। तो चलिए फिर आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।